मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पाठ ग्रामश्री पढ़ रहे थे जो कि कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। इसमें भी कवि ने गांव में उग रहे फलों और सब्जियों के सौंदर्य को वर्णित किया है। कवि कह रहा, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अमरूदों के पेड़ पर अमरूद अब लाल लाल हो गए हैं और उसमें चित्तियां पड़ने लगी हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर, मीठे मीठे बेर अब पक गए हैं और सुनहरा रंग के प्रतीक के हो गए हैं। अवली के तरु की डाल जड़ी, आंवले के पेड़ पर छोटे छोटे आंवले आने लगे हैं और उसके पेड़ों की डाले आंवलों से भर गई हैं। लहलह पालक महमह धनिया, पालक लहलहाने लगा है और धनिया खेतों में महकने लगा है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की बेलें जो हैं वो बढ़ गई हैं और वो फैलने लगी हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मखमल के समान सुंदर सुंदर टमाटर लाल लाल होने लगे हैं, पकने लगे हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों का जो गुच्छे में आती हैं तो मिर्चों के गुच्छे जो हैं वो हरी बड़ी थैली की तरह हो गए हैं। इस तरह गांव के में होने वाली फल सब्जियों के सौंदर्य को कवि ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। थैंक यू।